गोधरा सर्व मुस्लिम समाज द्वारा मुस्लिम विस्तारों में फैली रोड रास्ते तथा गटर की गंभीर समस्या को लेकर आज आवेदन पत्र देते हुए रजूआत की गई थी। गोधरा नगर पालिका की प्री मॉनसून कामगिरी से लेकर कही जाती विकास कार्य की घोर लापरवाही और पोल खुलते हुए मुस्लिम विस्तारों में ढेरों समस्या और परेशानियां बाहर आ रही है, जहां मुस्लिम विस्तारों में लंबे वक्त से उबड़ खाबड़ रोड, उफनती गटर तथा पानी समस्या के मद्देनजर स्थानिक लोग हैरान परेशान हो चुके हैं। गोधरा शहर के मुस्लिम समाज द्वारा इस बारे में पंचमहल जिला कलेक्टर को ढेरों बार शिकायत करते हुए आवेदन पत्र लिया गया है, लेकिन गोधरा नगर पालिका तंत्र के पेट का पानी नहीं हिलते हुए अभी तक गोधरा के मुस्लिम विस्तारों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, जिससे त्रस्त होते हुए आज मुस्लिम समाज द्वारा गोधरा के विविध मुस्लिम विस्तारों में फैली गंभीर समस्या तथा परेशानी को हल करने की मांग करते हुए आज पंचमहल जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए रजूआत की थी। गोधरा शहरना पश्चिम विस्तारना पायानी जरूरियातो जेवी के रोड रस्ता पानीनी लाइनों तथा गटर लाइन माटेनो एक आवेदन पत्र गोधरा शहरना 1500 लोकोनी सहयोग साथेनो आपवामां आव्यो। जे आवेदन पत्रनी अंदर पश्चिम विस्तारना तमाम रस्ताओ तथा गटर लाइनों फोटोग्राफ साथेनो आवेदन पत्र हतो अने माननीय रेसिडेंशियल कलेक्टर साहेब ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे अने एवी रजूआत करवामां आवी छे કે આ આવેદનપત્રની અંદર જે વિગતો દર્શાવવામાં આવી છે તે વિગતો ઉપર સત્વરે નિર્ણય લેવામાં આવે અને કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવે। જો કામગીરી ચાલુ ન થાય એ સંજોગોમાં આવા કપરા સમયની અંદર અમારે નામદાર ચીફ ઓફિસર ગોધરા મ્યુનિસિપાલિટી ગોધરા તથા માન્ય સરકારશ્રી સામે પગલાં ભરવા પડે, કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી પડે અને તમામ વસ્તુ ન કરવી પડે એ માટે આજનું આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને આવેદનપત્ર આપ્યા પછી માન્ય રેસિડેન્શિયલ કલેક્ટર સાહેબે અમને અજાધારણ આપ્યું છે કે આપના જે પ્રશ્નો છે આવેદનપત્રમાં દર્શાવેલ તમામ પ્રશ્નોનો સત્વરે નિકાલ કરવામાં આવશે। હું નામ રૂપુલ અમીન અટીલા, હું એડવોકેટ છું અને